स्टूडेंट्स हेलो यस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कॉन्टेक्ट फोर्सेस इन विच वी हैव स्टडीड मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो किसी फिजिकल कांटेक्ट की वजह से नहीं है जब दो चीज़ें आपस में टच हो रही हों तब उसे हम कांटेक्ट फोर्स कह रहे हैं जब ऑब्जेक्ट्स आपस में टच नहीं हो रही हैं और फिर भी उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होता है तब ऐसा फोर्स क्या कहला रहा है नॉन कांटेक्ट फोर्स एज द नेम सजेस्ट इस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स विदाउट टच ओके विदाउट एनी टच विदाउट टच जब कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तब हम उसे क्या कह रहे हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स सो हम कह सकते हैं द फोर्सेस विच डू नॉट मेक अ फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द बॉडी एंड एक्ट थ्रू स्पेस आर कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ओके अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स सो मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स विच एग्जर्ट ड्यू टू मैग्नेट ये मैग्नेट की वजह से फोर्स अप्लाई हुआ है जो हम फोर्स मैग्नेट की वजह से मैग्नेट या चुंबक जिसे हिंदी में कहते हैं द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट हैव टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स है ना तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर भी फोर्स अप्लाई कर सकता है वो चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो अगर साउथ पोल के विसिनिटी में अगर साउथ पोल ही दूसरे मैग्नेट का भी आ जाए मीन्स लाइक पोल्स अगर दोनों तरफ आ जाए तो हम क्या कहेंगे साउथ पोल ऑलवेज रिपेल साउथ पोल तो यहाँ पर रिपल्शन होने लग जाएगा रिपेल करेंगे मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे व्हेन देयर इज सेम पोल लाइक पोल यानी साउथ साउथ के पास में लाने पर क्या होगा मैग्नेट दूर खसकेगा और अगर एक मैग्नेट को हम दूसरे मैग्नेट के अनलाइक पोल्स के पास के अकॉर्डिंग अगर प्लास लाए ये नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का अगर इसका साउथ और दूसरे का नॉर्थ आ जाए तो क्या होगा एक नॉर्थ और एक साउथ पास में आ रहे हैं तो देयर इज अट्रैक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस फोर्स में कहीं भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है ओनली देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड तो हम कह सकते हैं कि जब दो मैग्नेट एक दूसरे के पास आते हैं तब क्या होगा रिपल्शन होगा व्हेन लाइक पोल्स आर देयर और जब अपोजिट पोल्स या अनलाइक पोल्स होते हैं तो अट्रैक्शन होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से विदाउट कॉन्टेक्ट भी क्या हो रहा है कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है इन केस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स सो मैग्नेटिक फोर्स और अगर मेटल का किसी पीस मेटल पीस लेकर आए मीन्स जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस है अगर ये एक मैग्नेट है ना और मैग्नेट के कॉन्टेक्ट में अगर मैं आयरन निकल या कोबाल्ट जैसे मेटल्स को या स्टील है ना ये स्टील तो क्या हो जाएगा एक तरह का अलॉय है इन मेटल्स को अगर हम मैग्नेट के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स दी मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी मेटल्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है ठीक है नेक्स्ट फोर्स जो कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम में ही देखिएगा नाम से आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओके ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन की वजह से अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्ज बॉडी है इट इज़ अ फोर्स अप्लाइड और एग्जर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ठीक है जिस तरह हम नॉर्थ और साउथ पोल की बात कर रहे हैं उसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडीज होती हैं जो दो तरह के हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स
पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक है। जब अगर हम कोई कॉम्ब या स्केल को रब करते हैं किसी सरफेस से, फर वाले सरफेस से, और अगर उसके पास छोटे छोटे पेपर के पीसेस अगर रख दिए जाएं, तो पेपर पीस अपने आप ही उसके पास अट्रैक्ट होकर आने लग जाते हैं, और इट इज़ ड्यू टू द चार्जेस प्रेजेंट इन देम, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मतलब मैटर से बना हुआ है, और मैटर के अंदर छोटे एटम्स होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करने लग जाते हैं, और इसलिए ऐसा फोर्स क्या कहलाने लग जाता है, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। तो पेपर क्या होंगे, पेपर के पीसेस उस स्केल की तरफ, चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे और डांसिंग करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। सो इस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ओके। थर्ड टाइप जो इन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का है वो है हमारा थर्ड पार्ट इस कैटेगरी में जो आ रहा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी में, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एज यू ऑलरेडी नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी वर्ड हमें पता है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। ग्रेविटी इज ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी ऐसा फोर्स, ठीक है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी की वजह से हो रहा हो, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स विथ विच एनी टू मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता रहता है, कोई फोर्स अप्लाई करता है, पुल करता है दूसरी ऑब्जेक्ट को, और उसकी वजह से अपनी पोजिशन में बना हुआ है। जिस तरह की सोलर सिस्टम में हम देखें तो सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स अपनी एक प्रॉपर पोजीशन पर घूम रहे हैं या ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, जैसे सन के चारों ओर अर्थ या दूसरे प्लैनेट वीनस मार्स सारे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, वो एक ग्रेविटी की वजह से अपने ऑर्बिट पर घूम रहे हैं। द फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, ये यूनिवर्सल फोर्स कहलाता है, और ये एक पुल अप्लाई करता है सिग्निफिकेंट मास की वजह से, ठीक है। तो हम जिस तरह अगर अर्थ के ऊपर चलते हैं तो हमारे ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसीलिए हम चल पा रहे हैं। अगर मैं ये पेन ऊपर फेंक रही हूँ, फिर से नीचे अर्थ की तरफ आ रहा है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ये अट्रैक्ट हो रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब इसके क्या क्या हमारे इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमको बहुत से लाइफ में बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि हम किसी, इट कीप्स अस बाउंड टू अर्थ, ये हमें अर्थ की तरफ बाउंड करके रखता है ना, इट कीप्स अस बाउंड टू अर्थ, क्लियर। देन सेकंड हम कह सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो ड्यू टू ग्रेविटी, किसी वस्तु का जो वजन है वो किसकी वजह से, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि हमें पता है कि मून पर 1/6 हो जाता है, ना हमारा जो मास है इट इज 1/6 ऑन द मून, अर्थ के कंपेरिजन में मून पे जो हमारा मास है वो 1/6 है, 1/6 ऑफ अर्थ, ओके। जैसे हम कहें तो नॉट मास, वेट इज 1/6 ऑन द मून। लाइक अगर मेरा वजन यहाँ पर 60 kg है तो मून पे क्या हो जाएगा, 60/6 मीन्स दैट इज ऑफ 10 kg ओनली, ठीक है। हमारा वेट अर्थ के कंपेरिजन में मून पर 1/6 हो जाता है ड्यू टू इट्स लेस एज कम्पेयर टू अर्थ। और अर्थ का रिवॉल्यूशन हम बोल रहे थे अभी कि अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ रिवॉल्यूशन टू अराउंड द सन इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटी इज अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्सेल्फ। ग्रेविटी मतलब ऐसा फोर्स जिसकी वजह से अर्थ अपने ही तरफ दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, इट इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके।
तो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, वो भी एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है और वो अपनी ग्रेविटी की वजह से ही ये फोर्स लगा पाती है. ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर. सो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल यू विल रिवाइज दिस थ्री टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.